काउंट को मैं वहीं रखता हूं। काउंट जो है बस काउंट का मतलब चेंज हो गया, काउंट इज नॉट ए काउंट ऑफ वाइट पिक्सेल्स, काउंट इज द काउंट ऑफ ऑल पिक्सेल्स विच आर ऑन द बाउंड्री। यू एग्री दैट इफ आई जस्ट एड देम एंड कन्वर्ट देम इन टू सम काइंड ऑफ ए लीनियर स्केल, नॉट स्क्वेयर स्केल, ओके? सो आई कैन इमेजिन दैट इफ आई हैव ए पिक्सेल गिवन एरिया, देन आई विल नो अप्रोक्सीमेटली वॉट लेंथ और ब्रेथ इट विल रिप्रेजेंट इन ए नॉर्मल एवरेज फैशन। समटाइम्स इफ दैट फेलो इज इन दिस कॉर्नर देन द लेंथ विल बी द डायगोनल ऑफ दैट थिंग, समटाइम्स इफ इट इज हियर इट विल बी द हाइट ऑफ दैट पिक्सेल, समटाइम्स इफ इट इज हियर इट इज द विड्थ ऑफ दैट पिक्सेल। ऑन एन एवरेज आई कैन अश्यूम दैट ईच पिक्सेल रिप्रेजेंट्स सो मेनी सेंटीमीटर्स और मीटर्स ऑफ लेंथ ऑन एन एवरेज। I can get the total average count, but still, first question, how will I calculate the total number of pixels on the boundary? कैसे calculate करें? बोलिए। पहला assumption आपको ये बताता हूँ, इसमें assumption 5 लिख देंगे, that the lake does not touch the borders of the total area. Lake जो है कहीं तो भी picture के बीच में है या यहाँ है या थोड़ा यहाँ, लेकिन border को touch नहीं कर रहा। ये एजम्पशन लिख देते हैं यहां पे 4, लेक इज अवे फ्रॉम ऑल बॉर्डर्स। ये लिख के हमने क्या तय कर लिया कि हमें प्रोग्रामिंग में मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, वी डोंट हैव टू स्ट्रेन आवर ब्रेन हाउ टू काउंट द नेबर्स विच आर ओनली 5 or 3 और एटसेट्रा। नाउ विद दिस एजम्पशन वी नो that if there is a lake, then the boundary will always have 8 neighbors. अब आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने पिक्सल हैं जिनके 8 नेबर में कम से कम एक पिक्सल वाइड। यहां पे एक और मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, इसका नाम लिखता हूं मैं डब्ल्यू नम। यह डब्ल्यू नम क्या है? मान लीजिए कोई आई कॉमा जे पिक्सल दिया है, तो डब्ल्यू नम इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द सराउंडिंग विसिनिटी विच आर वाइट। यानी फॉर आई कॉमा जे पिक्सल हाउ मेनी वाइट नंबर पिक्सल्स आर इन द नेबर विल बी गिवन बाय डब्ल्यू नम। तो मैं कैसे पता करूं? यहां पे जब मैं आया हूं, व्हेन आई हैव कम हियर, आई कैन से एग्जामिन 8 नेबर्स ऑफ आई कॉमा जे पिक्सल, बराबर, बिकॉज आई हैव कम फॉर सम वैल्यू ऑफ आई एंड सम वैल्यू ऑफ जे इन दिस इटरेशन। अल्टीमेटली आई एंड जे इज गोइंग टू वेरी ओवर ऑल द थिंग्स, सो इन साइड दिस आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ व्हाइट पिक्सल्स इन द नेबरहुड ऑफ आई कॉमा जे। तो इसके शुरू में मैं ऐसा अज्यूम करता हूं व्हाइट नम इक्वल टू 0, यानी कोई व्हाइट नेबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिक्सल मैं देख रहा हूं वो यहां कहीं है, यहां कहीं होगा तो उसके आजू बाजू कोई व्हाइट नहीं होगा, सब नेबर्स जो है काले पीले मिलेंगे। लेकिन अगर यहां पर हुआ तो कुछ व्हाइट मिलेगा, और कुछ होंगे पिक्सल जिनके सभी नेबर वाइट होंगे, कुछ होंगे पिक्सल जिनके सभी नेबर वाइट होंगे। अब हमें क्या देखना है कि जो नेबर्स हैं उसमें सबके सब वाइट ना हो और सबके सब नॉन वाइट ना हो। ऐसा कोई पिक्सल है माइका लाल जिसके कुछ नेबर वाइट है और कुछ काले पीले हैं, वो अपने काम का पिक्सल। कैसे पता करेंगे? आई और जे पिक्सल हम ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द नेबर्स ऑफ आई एंड जे। मान लीजिए मैं यहाँ सेंट्रल पिक्सल खड़ा हूँ और मेरे ये आजू बाजू में 8 भाई हैं। अब मैं कैसे काउंट करूँगा? एक को देखूँगा, वाइट है, यस काउंट, ये देखो काला, नॉट काउंट, वाइट काउंट, काला काउंट, नो काउंट। ऐसे करते करते फिर बाद में देखूँगा कितने हो गए काउंट। अगर 8 हो गए तो गड़बड़ है, मैं बीच में खड़ा हूँ लेक के। अगर 0 हुए तो गड़बड़ है, मैं जमीन पे खड़ा हूं। अगर 3 हुए
तो मेरे तीन बंधु जो हैं वो लेक में हैं, और बाकी मैं हो सकता हूं बाहर हो या बाकी भी बाहर हो, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। मैं खुद कहां हूं इसका मुझे कोई सरोकार नहीं है, मेरे नेबर कहां है यही मुझे देखना। तो अब मैं देखने का मतलब क्या होगा, इफ आई एम सीइंग दिस पिक्चर, सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट विल आई डू, इफ दिस नेबर्स कलर इज व्हाइट इंक्रीज द काउंट, इफ दिस नेबर कलर इज व्हाइट इंक्रीज द काउंट, इफ दिस नेबर कलर इज व्हाइट इंक्रीज द काउंट। नाउ इफ आई कॉमा जे इज माई कोऑर्डिनेट, वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माई अदर नेबर्स, देर आर एट कोऑर्डिनेट्स, फॉर ईच ऑफ देम आई कैन राइट एन एक्सप्लिसिट इफ स्टेटमेंट, वॉट विल आई डू, इफ इमेज, अब बताइए यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, पहले मैं ये नेबर लेना चाहता हूं, ये नेबर का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ये आई कॉमा जे है तो आई माइनस वन जे माइनस वन, ठीक है, क्योंकि इमेज में हमेशा ये इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग होता है, तो इमेज आई माइनस वन जे माइनस वन इक्वल इक्वल 255 डब्ल्यू नम प्लस प्लस, इफ दैट फेलो इज व्हाइट देन आई इंक्रीज दैट डब्ल्यू नम बाय वन, नेक्स्ट दूसरा नेबर, ये ले लिया हमने तीन नंबर का, दो नंबर का ले, दो नंबर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इमेज, यस जोर से बोलिए, आई माइनस वन जे, इफ दिस इज इक्वल इक्वल 255 तीसरा इफ लिखा, इमेज, अब तीसरा नेबर का क्या कोऑर्डिनेट होगा, I माइनस वन जे प्लस वन इक्वल इक्वल 255, फिर से एक बार W नम प्लस प्लस, फिर क्या लिखूंगा, इफ, अब मैं अपनी रो में आ गया जहां मैं बैठा हूं, मुझे ये पिक्सेल देखना है, इस पिक्सेल के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इमेज I J माइनस वन इक्वल इक्वल 255, फिर क्या करूंगा मैं, फिर से W नम प्लस प्लस प्लस, कितने नेबर हो गए, चार हो गए, कितने बचे हैं, चार और बचे, कौन से चार बचे, ये आठ ये वाला बचा है, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इमेज आई जे प्लस वन, ठीक है, इक्वल इक्वल 255 डब्ल्यू नम प्लस प्लस, फिर इफ इमेज आई प्लस वन जे माइनस वन इक्वल इक्वल 255 W num plus plus, फिर if image I plus one J is equal equal 255 again W num plus plus, और फिर if image I plus one J प्लस वन इक्वल इक्वल 255 देन W नम प्लस प्लस, होश हो गया आठ, अब इतना काम करना पड़ा आठ नेबर को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि ये आठ नेबर के लिए कोई भी फॉर लूप लिखना इजी नहीं है,
एक आई माइनस वन है, जे माइनस वन है, आई माइनस वन, जे प्लस वन है, आई माइनस वन जे है, जे माइनस वन आए, ये सब लोग है। इसको एक्सप्लिसिटली 8 बार घोड़ागिरी करके लिख दिया, लेकिन इतना लिखने के बाद में ये हर पिक्सेल को यही फॉर्मूला लागू है, कोई भी आई कॉमा जे हो। और आई कॉमा जे जो है वो 1250 गुणीले 800 बार, इतने वाला चलने वाला है। इतने बार हमको कैलकुलेट नहीं करना, वो कंप्यूटर करेगा सब। लेकिन ये कैलकुलेट करने के बाद में कंक्लूजन क्या निकला, हमें टोटल क्या निकालना है, अब हमें निकालना है काउंट ऑफ ऑल पिक्सेल्स ऑन द बाउंड्री। तो काउंट ऑफ ऑल पिक्सेल्स ऑन द बाउंड्री कैसे निकालेंगे हम, ऑन द बाउंड्री इफ w नम इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 8। बराबर, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्योंकि अगर w नम 0 हुआ तो इसका मतलब मैं काले लोगों के बीच में खड़ा हूँ, यानी मैं खुद काला हूँ। और अगर मैं, मेरे सब नेबर वाइट हुए तो मैं भी वाइट हूँ, यानी मैं लेक में हूँ, बाउंड्री पे नहीं। कोई भी एक अलग रंग का मिल गया तो ठीक। तो ये काउंट जो है, ये कंडीशन बराबर। अब कैसे इस कंडीशन को लिखेंगे, इफ w नाम इक्वल इक्वल 0, सॉरी नॉट इक्वल 0 एंड w नम नॉट इक्वल 8। ये एक तरीका हुआ लिखने का। दूसरा क्या तरीका होगा, इफ w नम ग्रेटर देन 0 एंड w नम लेस देन 8, ये भी वही कंडीशन है। एंड लिखेंगे कि और लिखेंगे, एंड बराबर है, दोनों कंडीशन होना चाहिए। खाली और लिख दिया तो w नम लेस देन 8 0 होगा तो भी लेस देन 8 होगा, और ठीक नहीं, एंड ही बराबर। चलिए ये कंडीशन फिक्स कर लेते हैं, ये इजी है लिखने को, और ये जो कमेंट में हमने लिखा है उससे मेल खाती। व्हाट वी हैव रिटन इन द कमेंट, व्हाट वी हैव रिटन इन द प्रोग्राम इज सिमिलर, दिस मेक्स। एंड इफ दिस इज सो, व्हाट डू आई डू नाउ, आई शुड एड 1 टू द ओरिजिनल काउंट विच आई स्टार्टेड विथ 0 हियर आउटसाइड द आई एंड जे लू। नाउ आई एम सेइंग काउंट रिप्रेजेंट्स पिक्सेल्स ऑन बाउंड्री, सो दैट मीन्स आई जे पिक्सेल इज ऑन बाउंड्री। इफ दिस कंडीशन इज सो, आई विल जस्ट से काउंट प्लस प्लस, और उसके आगे वही प्रिंट द काउंट। अब की बार ये काउंट क्या होगा, ऑल द पिक्सेल्स विच आर ऑन द बाउंड्री, करेक्ट, तो सभी आ जाएंगे इसमें। हाँ तो अच्छा, वो सभी बाउंड्री पॉइंट आ जाएंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ये सवाल अभी तक उत्तर नहीं है हमारे पास। मैंने वो प्रॉब्लम, कठिन प्रॉब्लम करके छोड़ दिया, वो मैं चाहता हूँ कि आप सोचें उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचें और फिर से कोशिश करें क्या करेंगे उसके, उसके लिए भी उत्तर है। लेकिन बेसिक टेक्निक जो है, बाउंड्री पे पॉइंट है कि नहीं ये निकालने का, ये तो आप समझ गए कैसे निकाल सकते। अब वो एक बार बेसिक टेक्निक आ गया तो अलग अलग हिज्जे पुर्जे उसके थोड़ा और दिमाग लगा के सोचेंगे तो आ जाएगा। इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ, कई बार यू डोंट वॉन्ट ओनली द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, यू वॉन्ट देयर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, सो दैट दोज कोऑर्डिनेट्स कैन गिव यू एग्जैक्टली ऑन योर ग्राफ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द लेक। यू मे वॉन्ट टू प्लॉट ए ग्राफ, यू विल गेट दैट। सपोज यू हैव टू गेट द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू विल सिंपली से हियर, यहाँ पे खाली काउंट प्लस प्लस करने की जगह आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सी आउट ग्रेटर ग्रेटर, सॉरी लेस लेस आई ब्लैंक जे
ये आप सब इस इटरेशन के अंदर कर रहे हैं, आपने पहले आई पे इटरेशन लगाया, फिर जे पे लगाया और उसके अंदर आप इफ कर रहे हैं, ये सबका सब जो है वो जे वाले के इटरेशन के अंदर हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट देख रहे हैं आप, यू आर लुकिंग एट ओनली वन पॉइंट आई कॉमा जे. नाउ यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल द पॉइंट्स. सो व्हाट विल दिस प्रिंट आउट डू? एनी टाइम इफ द पिक्सेल दैट यू आर एग्जामिनिंग इज ऑन द बाउंड्री, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी प्रिंटेड. You can see those coordinates and plot a graph if you want. That is your choice. यहाँ पे आप J का खत्म कर दें, I का खत्म कर दें, ये हो जाएगा पूरा आपका नंबर आ जाएगा. और जो काउंट जो है वो यहाँ पे आप आखिरी में सी आउट कर दें. लास्ट वैल्यू जो आएगी टोटल काउंट आएगी, लेकिन आपने हर एक पॉइंट के जो बाउंड्री पे है उसके कोऑर्डिनेट भी छाप दिए आपने. You have found out the coordinates of all the points, the actual i, j coordinates. That is slightly more useful information just than the total number of counts. You got it? अभी आगे जो आपको homework दे रहा हूँ वो ऐसा सोचिए कि ये जो coordinates आपको मिलेंगे, मान लीजिए और water bodies है यहाँ, तो आपके इस coordinates में ये भी points होंगे, ठीक है? ये भी पॉइंट्स होंगे, ये भी होंगे. अब आप ये कैसे पता चलेंगे कि ये जो पॉइंट है भैया ये इस लेक से अलग है, ये छोटे से हैं, कैसे पता करेंगे आप? इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको कनेक्टेड एरियाज निकालना पड़ेगा. यानी आप यहां से शुरू करें, ये आपको बाउंड्री पॉइंट मिल गया, ये बाउंड्री पॉइंट मिला तो ये रो जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो तब तक आप देखते जाइए जब तक सबके सब पॉइंट जो हैं वो लेक के अंदर हैं, और इस रो को एग्जामिन करके यहां तक आएंगे जब आपको पहला नॉन व्हाइट मिलेगा, देन यू नो दैट दिस एंटायर रो इज इन दिस एरिया. नेक्स्ट रो, दिस एंटायर रो इज इन दिस एरिया. What is the next row which is connected to this leg? At least this fellow should have one boundary point in the next row. Otherwise, leg khatam ho gaya wahan pe. Is tarah se aap yahan agar dekhenge, to aapko ye area bhi mil jayega, aur ye area baki sab area se alag milega. Ab main aapko ek technique batata hu. Aapne isko dekhna shuru kiya. Aap to anjaan hai. You don't know what are the actual values of pixel. You start looking at it. Let's say this is the area. Now suppose you reach the first point, which is a border point. Now you don't go anywhere else. For this particular point, you examine the entire boundary for this by looking at such connected area. यहाँ पे आप आगे जाएंगे, आपको एक वाइट मिलेगा, फिर बाउंड्री मिल जाएगी. तो तीन यहाँ आ गए, यहाँ पे पांच आ गए, दूसरे भी. इसके आगे आप जाएंगे ही नहीं. जहाँ पे भी आपको काला मिलना शुरू कर देंगे, you will know that the remaining area is not connected with this. So even if there is something white, it does not belong to this region. So you go to the next row, you go to the next row, you go to the next row, till you come across a row in which there is no white. Ye area khatam ho gaya. Is area ka bounding rectangle bhi aapko pata chal gaya. Starting row kya hai, ending row kya hai, starting column kya hai, ending column kya hai, wo aapne kahin to bhi likh ke rakh diya. Ab uske baad aap wapis yahan gaye. यहाँ से छोड़ दिया था ना इसको आपने, आप वापस यहाँ गए और यहाँ से आगे देखना शुरू किया कि भाई इस रो में और भी कोई एरिया है. मान लीजिए इस रो में आपको कहीं भी एरिया नहीं मिला, अगले रो में आए आप, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब आप आ गए तो आपको ये मालूम है कि भाई इस रो में कहीं ना कहीं अपने को पहले वाला एरिया मिलने वाला है, उस एरिया को बाईपास कर दे. यानी पिक्सल देखते जाए कि भाई उस एरिया में पिक्सल है, छोड़ दे उसको, आगे पिक्सल देखे, आपको ये बंदा मिल जाएगा यहाँ पर. जैसे कोई भी व्हाइट मिला तो आप जानते हैं कि नया एरिया शुरू हो गया है. अब नया एरिया शुरू हो गया तो काम टेम्पररीली रोक दीजिए और वो जो अल्गोरिथम वहाँ पे लगाया था पूरा वही अल्गोरिथम लगाइए. इसके नेबर्स देखते जाइए, रो कॉलम ऐड करते 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 आप यहाँ तक आ जाएंगे. जो भी कनेक्टेड नहीं है उसको छोड़ दें, बस इसमें जो कनेक्टेड हैं उसी को देखें. कनेक्टेड इसका मतलब किसी भी रो में अगर आपको एक पिक्सल बाउंड्री पे मिला तो अगले रो में उसके नीचे का
उसके बाजू का या उसके इस बाजू का पिक्सेल बाउंड्री पे होना चाहिए, तो ही वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड आप देखते जाइए, और इसके बीच में उस कनेक्टेड पॉइंट एक मिल गया तो उसके आगे जितने भी व्हाइट मिलेंगे इग्नोर करते जाइए टिल यू गो टू द अदर एंड। तो इसका मतलब यहां पर आने के बाद आप टेम्परली रुक गए और यहां से आपने ये पूरा एरिया निकाल दिया। अब फिर वापस गए भाई यहां थे, अब तक आपको कितने एरिया मिले? दो, एक ये और एक ये, कहीं तो भी रखा है आपने। अब आपने यहां से आगे देखना शुरू किया, भाई कोई व्हाइट नहीं है, उसके बाद अगली रो में चले गए। अब इस रो में देखिए क्या होगा, आप हर पिक्सल एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या क्या एग्जामिन करना? एक तो बाउंड्री पे है कि नहीं, बीच में है कि नहीं, और दूसरा क्या वो पिक्सल किसी ऐसे एरिया में है जो पहले ही हमने ढूंढ लिया है? हमने अभी तक क्या ढूंढा है? इसको देखा और इसको देखा। तो जब हम इस रो के पिक्सल देखेंगे, सपोज आई कम अक्रॉस ए पिक्सल विच इज इनसाइड दिस एरिया, आई विल नॉट काउंट इट। सपोज आई कम अक्रॉस ए पिक्सल विच इज इनसाइड दिस एरिया, आई विल नॉट काउंट इट। दैट मीन्स एवरी पिक्सल विच आई एम एग्जामिनिंग, नाउ आई हैव टू चेक थ्री थिंग्स। ए, वेदर इट इज ऑलरेडी इन एन एरिया विच आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। इफ नॉट, देन आई एम स्टार्टिंग ए न्यू एरिया, आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। टोटल एरियाज जो हैं वो लिमिटेड इन नंबर होंगे। वर्स्ट केस क्या हो सकती है? वर्स्ट केस में कितने नॉर्मली एरियाज कैसे रहेंगे? ये रहेगा, ये छोटा वाटर बॉडी, छोटा वाटर बॉडी, छोटा वाटर बॉडी, एक आपका टेंट, 10, 15, 20, 50, मान लीजिए 100, 200। लेकिन थियोरेटिकली वर्स्ट केस क्या है? थियोरेटिकली वर्स्ट केस ऐसा है कि एक ही व्हाइट पिक्सल का एक छोटा सा पानी का पॉन्ड है, उसके बाद ग्रे है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रे है, फिर व्हाइट है, उसके इस तरह व्हाइट है, इस तरह ग्रे है, इस तरह व्हाइट है, इस तरह ग्रे। यानी चेसबोर्ड देखा है आपने, वो चेसबोर्ड के जितने व्हाइट है आधा एरिया व्हाइट है, लेकिन हर एक अलग अलग अपना पॉन्ड है। लेकिन एक ऊपर वाले की देन है कि दुनिया में ऐसे चेसबोर्ड जमीन पे नहीं मिलते। So you can reasonably make a good assumption that there will be, let us say, 200 bodies. And even if you detect some bodies which are very small, you can simply neglect them immediately. But you have to maintain a count because you have to find out which one you are looking at. Now this is a complex problem. This will take more time to solve. But do you understand that this can be solved? Now that is the beauty. You can do variety of things. There are other things which are done on image processing, which will not go into the details. But you may get a question in some exam, which will say that I want to operate upon this image and convert all pixels by a transformed pixel value. In image processing, you do transformation. Mathematics padha hai, Fourier transform padha hai. Any transform? Some function of x. If there is x, you convert it by a, from x to f of x. तो image processing में जो function होता है, given a pixel value image I comma j, function of image I comma j will be defined as some calculation done on the neighbors. Image transformation ऐसा होता है कि वो ये जो pixel है इसको replace करना है। किससे replace करना है? खाली इसके value के ऊपर dependent नहीं है, उसके neighbor क्या है उनके ऊपर भी dependent। इनको बोलते हैं विंडो ऑपरेटर्स। 3x3 का विंडो बना दिया, वो जहां पे भी आ गया वो विंडो ऑपरेट करेगा। वो विंडो में यहां पे -1, यहां पे +1, यहां पे -1, यहां पे +1, ऐसा कुछ होगा, उसको उससे गुणा करके ऐड करते जाएंगे और जो भी एडिशन आएगा वो सेंटर की जगह लेंगे। ऐसे इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम से, और ऐसे आप हर पिक्सल के लिए करोगे तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड इमेज मिल जाएगी। व्हेन यू डू फिंगरप्रिंट एनालिसिस फ्रॉम ए ग्रे इमेज, यू हैव टू फर्स्ट गेट ए बाइनरी इमेज, यू हैव टू फाइंड आउट एज। दीज आर एज डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। यू नो व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट एक्चुअली इज एज ऑफ द लेक। लेक की एज है, एज कहाँ कहाँ है वो पिक्सल आप निकाल रहे हैं ये एल्गोरिथम्स। वो एज निकालने का ये एक तरीका है, दूसरे भी कई तरीके। कई बार एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि अपन ने अभी तो यहाँ मान लिया कि जो लेक है पूरा का पूरा व्हाइट है और बाकी एरिया जो पूरा का पूरा व्हाइट नहीं है। आपने कभी लेक दूर से देखा है? दूर से तो वो लेक का रंग अलग दिख जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देखें तो जो रिफ्लेक्शन होगा जहाँ पे लेक
गहरा नहीं होगा, व्हेन इट इज नॉट वेरी डीप, व्हाट यू विल फाइंड इज द अंडरलाइंग मड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, नॉट इट विल नॉट बी प्योर व्हाइट. ऑल पॉइंट्स ऑन द लेक बॉडी विल नॉट शो ओनली व्हाइट, सम विल शो सम अदर कलर, सम विल शो सम अदर कलर. एंड इट इज पॉसिबल दैट हियर देर इज सम रीजन विच इज एक्चुअली अर्थ, बट इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ए कलर इंटेंसिटी विच इज सिमिलर टू सम इंटेंसिटी हियर. सो इन रियल लाइफ द इमेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इज नॉट सो ईजी एंड देर आर कॉम्प्लेक्स अल्गोरिथम्स. सम ऑफ यू विच वर्क ऑन इमेज प्रोसेसिंग लेटर इन योर लाइफ विल लर्न सो मेनी अदर अल्गोरिथम्स टू हैंडल इमेजेस. ऑफकोर्स दिस इज अ फर्स्ट कोर्स इन प्रोग्रामिंग. यहाँ हमारा एम्बिशन क्या है, हमारा एम्बिशन ये है कि अगर इमेज के पिक्चर के एलिमेंट्स हों तो बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकें. इसीलिए जो प्रॉब्लम हमने देखे हैं थोड़े सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम, लेकिन आप सोचिए कि आपको वो प्रॉब्लम भी कठिन लग रहे हैं. और कठिन क्यों लगे, क्योंकि ये तरीका आपको मालूम नहीं था कि एक सेंटर में इमेज पिक्सल है तो उसके बाजू के इमेज पिक्सल कैसे कैलकुलेट करें. दूसरा, यू डिड नॉट नो दैट एग्जामिनिंग द नेबर्स यू कैन डिटरमिन वेदर समबडी इज ऑन द बाउंड्री और नॉट. थर्ड, यू डिड नॉट नो दैट इन रियल लाइफ यू हैव टू मेक अ सीरीज ऑफ अजम्पशंस, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय पिक्सल. यू डिड नॉट नो दिस. दैट इज व्हाई आई से कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका मकसद खाली दिया हुआ फॉर्मूला है उसको ट्रांसलेट करना नहीं होगा. उसका मतलब अल्गोरिथम किसी और ने सोचा, आप खाली प्रोग्राम स्टेटमेंट लिख रहे. यू आर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू लुक एट ए रियल लाइफ प्रॉब्लम, मेक अजम्पशंस, एंड इवन इफ द अजम्पशंस आर नॉट, यू आर नॉट श्योर, यू डू सम ग्राउंड एक्सपेरिमेंट. जैसे व्हाट आई सेड, यू विल एक्चुअली गो टू द ग्राउंड, डू सम सर्वे, डिटरमिन द मैप साइज, डिटरमिन द मैप स्केल, एंड देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वंस यू डिटरमिन द मैप स्केल, देन यू नो दैट फॉर ऑल इमेजेस ऑफ दैट सैटेलाइट दैट विल बी द स्केल. क्योंकि सैटेलाइट उसी ऊंचाई पे है, वहीं से फोटो ले रहा है, कोई सा भी फोटो आएगा, यू नो दैट. वंस यू डू दिस डोंकी वर्क ऑफ गोइंग टू द फील्ड एंड एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंड ट्रूथ, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दिस. टुडे बाय द वे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड द मेजर एस्टिमेट्स विच आर मेड फॉर फूड, फॉर क्रॉप्स, फॉर वाटर बॉडीज, एंड डिपेंडिंग अपॉन सम फ्रीक्वेंसी इवन दे एस्टिमेट हाउ मच रिजर्व ऑफ ऑयल विल बी देयर अंडर इफ यू डिग अ वेल देयर. दैट इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग इज वॉट यू पीपल हैव टू परफेक्ट. सो वट एवर यू कैन यूज मल्टीपल टेक्नोलॉजीज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम. सो ये एक सिंपल प्रॉब्लम देखा है. अब आप मूडल पे जो मिड सेम एग्जाम का पेपर है उसके क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए. उसमें व्हाइट पैच ऐसा लिखा है, आई हैव नॉट सेड लेक बॉडी, द प्रॉब्लम इज डिफरेंट बट कंसेप्चुअली इट इज सिमिलर. नाउ वंस अगेन गो बैक एंड एग्जामिन द सैम्पल सोल्यूशन, एंड वंस अगेन गो बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द बोनस क्वेश्चन देयर विच सेड आई हैव मल्टीपल पैचेस ऑफ व्हाइट, फाइंड आउट द पैच विद द लार्जेस्ट एरिया. दैट इज द क्वेश्चन. ट्राई टू थिंक ऑफ द टेक्निक दैट आई हैव गिवन. We will discuss the solution also. I think one solution has been posted. You can examine it. Or if not posted, we'll post it. You get this point? Okay. I want you to be perfectly comfortable in handling multidimensional arrays. We had already seen how you use multidimensional array for simultaneous equation solving. There also I had emphasized that you be careful about I, J, K, whatever. For any element you are doing, you may have to do some other iteration. Look at this problem. I and J, these are outer iteration. This is something like an inner iteration which I have written in an expanded form. I have not written this as an iteration. But I could have said, for K equal to 1 to 3, for L equal to 1 to 3, and I could have written these elements in terms like I minus L, I plus K, J plus K, something like that. But that would have been nonsense. It is not necessary. Therefore, I have written these direct statements. But imagine now if I say that you examine not the neighboring three pixels, that is these three, these two and these three. But suppose I say, take a 7x7 window and examine all pixels around this center pixel which occupy 7x7 area. Now you cannot write 7 into 7 is 49.
49 minus 1 is the I comma j is I. So 48 if statements you will not write. There you will convert this into some kind of additional iteration. So you have two outer iterations for I and j, and inside you may have two inner iterations over k and l to examine all the points in a 7 by 7 map. There could be a complication like. But for plane 8 neighbors, this is the easiest. One more extension I would like you to try. We assume that the lake is away from all borders. Suppose it is not so. Ye lake jo hai, ye bhaiya yahan pe pehle koi to bhi mandir tha, usko nikal ke lake jo hai yahan tak aa gaya. Ab ye to border pe bhi aa gaya. Yani ye bhi pixel aapko lena padega. It does not have 8 neighbors. So now you cannot write all these statements. For those statements which examine each of these pixels, you have to determine whether that pixel is on the border or not. What will be border? Border will be either I will be equal to 0 or j will be equal to 0, or I will be equal to width w or j will be equal to h. And if I, j both are 0, so you know the four corners, you have to treat them separately. You know border, you have to treat them separately. So the program will become like Hanuman ki poonch, it will become larger and larger and larger, but it will work correctly under any circumstances. It doesn't matter where the lake is. So that is why such programs may take longer to write if you want to take all possible conditions. But if you make some assumptions without loss of generality, aap ye keh sakte hain ki hamara jo estimate hai, wo jo estimate one pixel width kam hoga, correct nahi hoga. Accuracy of my estimate is so much only because I am discarding border pixel. There is another technique. The other technique is create an artificial extra row. और जो एक्स्ट्रा रो है उसमें ऐसी वैल्यू भर दो जिससे आपके नेचर ऑफ बाउंड्री पे फर्क नहीं पड़े. इफ यू आर लुकिंग फॉर व्हाइट पिक्सेल्स देन पुट इन दैट एक्स्ट्रा रो ऑल पिक्सेल्स विच आर से 0. नाउ योर एल्गोरिथम इज ओनली दिस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा रो. बट हाउ दैट एक्स्ट्रा रो कैन बी क्रिएटेड? सिंपल, दिस इज एच एंड डब्ल्यू. So what you do first, by a single iteration, put all the elements in that extra row, which is a 0th row, 0th column, h plus 1th row, w plus 1th column. You put all zeros. And now read this data, not from 0 to w minus 1, but from 1 to w. After all, that index is your choice. So you are now, actual pixels of the image are in 1 to w, 1 to h, 0th row. भूत का हो गया और h प्लस 1th रो एक्स्ट्रा जो है वो भी भूत का हो गया. और जो आप ये जब आप चलाएंगे तो 0 टू i इक्वल टू h प्लस 1 तक चलाएं, मतलब एक इधर और एक उधर, एक उधर और एक उधर. आपके काउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू विल गेट द करेक्ट काउंट. सो दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ कीपिंग योर प्रोग्राम सिंपल. सेम प्रोग्राम विल वर्क, ओनली थिंग इज यू हैव एडेड वन मोर पिक्सल एट द बाउंड्री. Get the point? Okay. Anyway, this is the logical end of this particular topic. We still have to discuss notion of pointers and introduction to files. Now, the handout which I have given is an updated handout on files, which has already been put on the Moodle. Earlier, there was an earlier version. This is the latest version which is also put on the Moodle. Right? Okay. Thank you.